स्टार्ट तो यहाँ पे मैंने 14 इंच लंबा एंड 10 इंच चौड़ा एक बुकरम का पीस लिया है, उसे मैं फोल्ड कर लूँगी। तो यहाँ पे ये डबल फोल्ड हो गया है। उसके बाद हम यहाँ पे नॉर्मल नेक 3 इंच का रखते हैं, बट यहाँ पे 1 इंच की पट्टी आएगी हमारी। तो यहाँ पे चौड़ाई जो है वो 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी मैं, 4 इंच की चौड़ाई लूँगी। उसके बाद इसकी जो लेंथ है वो नॉर्मल नेक में 6 इंच रखूँगी इसमें, एंड इसका जो डिज़ाइन होगा वो 12 इंच लंबा होगा। तो यहाँ पे मैंने 12 इंच पे मार्क किया है। तो 6 इंच के जो निशान है वो बाद में आपको बताऊंगी कि मैंने यहाँ क्यों लगाया था। उसके बाद एक वी शेप में इसको स्लांटिंग शेप में ले देना है। नीचे की जो चौड़ाई है वो मैंने 1 इंच लिया है। उसके बाद यहाँ 1 इंच की चौड़ाई लेते हुए अब ऐसे कट कर लूँगी। तो यहाँ पे हमारा इस तरीके की शेप में कुछ इस तरीके का नेक आ जाएगा। तो बीच का जो पार्ट है आपको इसका उठा के रख लेना है, ये बाद में काम आएगा। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे इसे एक फैब्रिक पे इसे चिपका लिया है अपनी बुकरम को फ्यूज़ पेपर के साथ। सो नेक का जो हमारा 1/4 इंच कपड़ा है उसे मैं अंदर की तरफ फोल्ड करके एक स्टिच दे दूंगी इस पर। सो यहाँ पे मैंने फैब्रिक को फोल्ड कर लिया है जो 1/4 इंच कपड़ा था। उसके बाद आपको अपनी शर्ट ले लेनी है एंड सेंटर में इस पर एक सिलाई लगा देनी है, जिससे हम जो नेक लगाएंगे तो वो इधर उधर ना हो। तो यहाँ पे मैंने सेंटर पे अपनी स्टिच कर लिया है। उसके बाद मैं बुकरम के बिल्कुल बराबर बराबर इस पर स्टिच कर लूँगी एंड अपने नेक को रेडी कर लूँगी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बुकरम के बिल्कुल बराबर बराबर इसे स्टिच कर लिया है। उसके बाद 1/4 इंच कपड़ा छोड़ते हुए आपको इसे कट कर लेना है, अपने नेक को अच्छे से कट करना है 1/4 इंच कपड़ा छोड़ते हुए। सो यहाँ पे मैंने इसे कट कर लिया है, ये देख सकते हैं। उसके बाद मैंने इस पर कट लगा देने हैं, जिसकी नोक होंगी उस पर आपको कट लगा देने हैं कुछ इस तरीके से, एंड ऊपर की तरफ भी आपको छोटे छोटे कट लगाने हैं। इसका चीज़ का ध्यान रखेंगे आपकी सिलाई ना कटे इसमें। तो यहाँ पे मैंने इसे कट लगा दिए हैं। उसके बाद मैं इसे रॉन्ग साइड पे टर्न कर दूंगी। तो ये बहुत इजी तरीके से आपका टर्न हो जाएगा, एंड आप चाहे तो इस पर आयरन कर लें जिससे ये अच्छे से बैठ जाए अंदर की तरफ। सो यहाँ पे हमारा नेक रेडी हो गया है, ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसका लुक आएगा आयरन करने के बाद। उसके बाद मैंने यहाँ पे 2 बुकरम की पट्टी को फैब्रिक पे चिपका रखा है। तो यहाँ पे इसकी जो लंबाई है वो 15 इंच है, एंड कपड़े की जो लंबाई है वो 2.5 इंच है, एंड ये मेरी जो बुकरम है उसकी जो चौड़ाई है वो 1 इंच है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे इसे फैब्रिक पे चिपका लिया है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक फैब्रिक को इसके नीचे रखना है, एंड एक तरफ स्टिच करने के बाद उसे राइट साइड पर टर्न कर देना है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी जो पट्टी है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी, ये देख सकते हैं। एक साइड से मैंने इसे अंदर की तरफ टर्न कर दिया है। उसके बाद जो आपका खुला हुआ हिस्सा होगा ओपन साइड की तरफ, आपको इस तरीके से ये लेस लगानी है वो 1 इंच है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे इसे फैब्रिक पे चिपका लिया है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक फैब्रिक को इसके नीचे रखना है, एंड एक तरफ स्टिच करने के बाद उसे राइट साइड पे टर्न कर देना है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी जो पट्टी है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी, ये देख सकते हैं। एक साइड से मैंने इसे अंदर की तरफ टर्न कर दिया है। उसके बाद जो आपका खुला हुआ हिस्सा होगा ओपन साइड की तरफ, आपको इस तरीके से ये लेस लगानी है। सो यहाँ पे ये आप लेस लगा लें, तो बन साइड की तरफ से नहीं, जिस तरह से आपने स्टिच किया है उधर आपको नहीं लगानी है, जिधर आपको स्टिच करनी है जो हिस्सा हमारा अंदर की तरफ आएगा नेक पे, उसी पे ही आपको स्टिच करना है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे इसे पट्टी को नेक के नीचे की तरफ रखते हुए स्टिच कर लूँगी कुछ इस तरीके से। तो जब आप इसे टर्न करेंगे तो दूसरी पट्टी को भी आपको इसके बराबर रखना है एंड स्टिच करते ले जाना है। सो गाइज, स्टिच होने के बाद इसका लुक कुछ इस तरीके से आएगा। उसके बाद आपको जो बीच वाला हिस्सा था हमारा बुकरम का उसे ले लेना है, एंड ये जो 6 इंच का हमने मार्किंग किया था जितना हमें मार्क कर सॉरी नेक रखना है, वहाँ से आपको इसे कट कर लेना है। तो नीचे वाले पार्ट को आपको अपने नेक पे ऐड करना है। तो यह आपको बुकरम अपनी बुकरम को फैब्रिक पे स्टिच चिपका लेना है। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक पे चिपका लिया है इसे। उसके बाद जो लेस है ऊपर की तरफ, आपको ये लेस लगानी है इस पर। तो अच्छे से आपको इसे स्टिच करना है अपनी लेस को। सो यहाँ पे मैंने अपनी लेस ऊपर की साइड लगा दिया है, फैब्रिक के ऊपर आपको ये लगाना है। उसके बाद दूसरा फैब्रिक इसके ऊपर रखते हुए जिधर आपकी स्टिच है बेल वाली, उसी स्टिच पे आपको अगेन स्टिच करना है कुछ इस तरीके से। इसका लुक आएगा गाइस, ये देख सकते हैं। इसे स्टिच करने के बाद आपको इसे राइट साइड पे टर्न करना है, एंड बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा ये। देख सकते हैं कितने ब्यूटीफुल तरीके से हमारी जो लेस है वो बाहर निकल के आ गई है। उसके बाद चारों तरफ से इसे स्टिच कर लेना है अपनी बुकरम को एंड फैब्रिक को। सो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से इसे स्टिच कर लिया है।
उसके बाद आपको इसका क्वार्टर इंच कपड़ा जो बचा हुआ है इधर से फिनिशिंग कर लेनी है इस फैब्रिक की। उसके बाद आपको अपने नेक की मार्किंग करते हुए इस पे स्टिच कर लेना है। तो मैं यहाँ पे 6.5 इंच पे मार्किंग करूँगी, ये देख सकते हैं 6.5 इंच आ रहा है हमारा। और यहाँ पे मैं चौक से मार्किंग कर लूँगी अच्छे से, जिससे हम जब स्टिच होएं तो उधर उधर ना हो हमारा नेक जो है, जब हम बीच में पट्टी लगा रहे हैं वो। तो ऊपर से आपको स्टिच करते लाना है एंड उस मार्किंग पे रखते हुए आपको स्टिच करना है अच्छे से। सो मैंने यहाँ पे इस तरीके से स्टिच कर लिया है। उसके बाद आपको निडल अंदर करना है फैब्रिक के एंड इस तरीके से का फैब्रिक को घुमाना है अपने, एंड उसी मार्किंग स्टिच कर लूँगी कुछ इस तरीके से। तो जब आप इसे टर्न करेंगे तो दूसरी पट्टी को भी आपको इसके बराबर रखना है एंड स्टिच करते ले जाना है। सो गाइज, स्टिच होने के बाद इसका लुक कुछ इस तरीके से आएगा। उसके बाद आपको जो बीच वाला हिस्सा था हमारा बुकरम का, उसे ले लेना है एंड ये जो 6 इंच का हमने मार्किंग किया था, जितना हमें मार्क कर सॉरी नेक रखना है, वहाँ से आपको इसे कट कर लेना है। तो नीचे वाले पार्ट को आपको अपने नेक पे ऐड करना है। तो यह आपको बुकरम अपनी बुकरम को फैब्रिक पे स्टिच चिपका लेना है। तो यहाँ पे मैंने फैब्रिक पे चिपका लिया है इसे। उसके बाद जो लेस है ऊपर की तरफ, आपको ये लेस लगानी है इस पे। तो अच्छे से आपको इसे स्टिच करना है अपनी लेस को। सो यहाँ पे मैंने अपनी लेस ऊपर की साइड लगा दिया है फैब्रिक के ऊपर, आपको ये लगाना है। उसके बाद दूसरा फैब्रिक इसके ऊपर रखते हुए जिधर आपकी स्टिच है बेल वाली, उसी स्टिच पे आपको अगेन स्टिच करना है। कुछ इस तरीके से इसका लुक आएगा गाइस, ये देख सकते हैं। इसे स्टिच करने के बाद आपको इसे राइट साइड पे टर्न करना है एंड बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा ये, देख सकते हैं कितने ब्यूटीफुल तरीके से हमारी जो लेस है वो बाहर निकल के आ गई है। उसके बाद चारों तरफ से इसे स्टिच कर लेना है अपनी बुकरम को एंड फैब्रिक को। सो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से इसे स्टिच कर लिया है। उसके बाद आपको इसका क्वार्टर इंच कपड़ा जो बचा हुआ है इधर से फिनिशिंग कर लेनी है इस फैब्रिक की। उसके बाद आपको अपने नेक की मार्किंग करते हुए इस पे स्टिच कर लेना है। तो मैं यहाँ पे 6.5 इंच पे मार्किंग करूँगी, ये देख सकते हैं 6.5 इंच आ रहा है हमारा। और यहाँ पे मैं चौक से मार्किंग कर लूँगी अच्छे से, जिससे हम जब स्टिच होएं तो उधर उधर ना हो हमारा नेक जो है, जब हम बीच में पट्टी लगा रहे हैं वो। तो ऊपर से आपको स्टिच करते लाना है एंड उस मार्किंग पे रखते हुए आपको स्टिच करना है अच्छे से। सो मैंने यहाँ पे इस तरीके से स्टिच कर लिया है। उसके बाद आपको निडल अंदर करना है फैब्रिक के एंड इस तरीके से का फैब्रिक को घुमाना है अपने, एंड उसी मार्किंग पे आपको स्टिच करना है, ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। सो ये जो हमारा नेक है वो रेडी हो जाएगा बनने के बाद। इसका जो लुक है वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल आया था गाइस, सीरियसली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से इसका लुक आएगा जब ये बन जाएगा। तो बीच में आप चाहें तो एंकर धागे से इस पे स्टिच लगा सकते हैं या फिर आप इस पे बटन लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बीच में इस तरीके से रेड कलर के बटन को ऐड करूँगी, तो इसका लुक और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल आ रहा है। सो गाइज, आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। सो इसका फाइनल लुक इस नेक का कुछ इस तरीके से आएगा, ये देख सकते हैं आप। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह।